सो हेलो गाइस, कैसे हो सारे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जैसे तुम लोगों ने टाइटल और थंबनेल देखा ही होगा, तो जी हाँ, हम करने वाले हैं रैंकिंग ऑफ एश ऑल ड्रैगन टाइप पोकेमोन्स। तो जी हाँ, तो तुम सबको तो पता होगा कि एश ने अपने पूरे एंटायर जर्नी में बहुत कम पोकेमोन्स पकड़े, यानी बहुत ही कम पोकेमोन्स पकड़े, और जो भी उसने पकड़े बहुत ही कमाल के भी पोकेमोन्स पकड़े और बहुत कम पोकेमोन्स पकड़े। और अगर ड्रैगन टाइप्स की बात आती है तो उसने वो ड्रैगन टाइप्स पोकेमोन बहुत ही कम पकड़े यार। सच्ची में बता दो, अगर हम गिनने जाए तो टोटल 5 ड्रैगन टाइप्स पोकेमोन्स है जो एश ने पकड़े हैं, अगर मैं गैलर रीजन को इंक्लूड करता हूँ तो, वरना उसने 4 ड्रैगन टाइप्स पकड़े। पर आज हम पांचों के पांचों को रैंक करने वाले 5-1। जी हाँ, पर ये टॉप 5 लिस्ट नहीं होंगे, ये सारे ड्रैगन टाइप्स को रैंकिंग की लिस्ट होगी। सो अगर मैंने कुछ गलत किसी भी पोकेमोन के बारे में अगर कुछ मैं मिस कर जाता हूँ यार, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर गाइड देना। और हाँ, पहली बात ठीक से समझाता हूँ, कमेंट में आके हगने से पहले, जी हाँ मैं बताता हूँ, चारिज़ार्ड एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन नहीं है, ठीक है। तो कमेंट में ये हगना मत चालू करो कि चारिज़ार्ड कहाँ है, चारिज़ार्ड को नहीं लिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो चारिज़ार्ड एक फायर और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, ड्रैगन टाइप पोकेमोन नहीं है। तो दोस्तों, अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जाके लाइक करो, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी जाओ और चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, बाजू वाले घंटे को भी दबाओ ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम लोग को सबसे पहले मिले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 दोस्तों, नंबर 5 के स्पॉट पे मैंने रखा है गिबल को। जी हाँ, गिबल को, जो एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन है। जी हाँ, गिबल को नंबर 5 के स्पॉट पे इसलिए रखना था यार, क्योंकि अगर ऐश इसे इवॉल्व करता ना तो या आई गेस ये टॉप 1 की स्पॉट डिजर्व करता अगर ये गार्चोम तक इवॉल्व हो जाता। बट अगर बात की जाए ऐश के गिबल की, तो ऐश का गिबल भी कम पावरफुल नहीं है यार, उसको भी बहुत ही अच्छे मूव्स आते हैं, और उसको एक बेस्ट पावरफुल ड्रैगन टाइप मूव भी आता है जो कि है ड्रेको मीटियर। जी हाँ, एश ने उसने गिबल को ड्रेको मीटियर सिखाया है, और जी हाँ, और वेरी मच सिखाया ही नहीं है, मतलब उसको ठीक से परफॉर्म करना वो भी सिखाया, क्योंकि अगर तुमने शिनो रीजन के एपिसोड्स देखे होंगे तो ऐश का गिबल ड्रेको मीटर सीख चुका था, पर वो उसे ठीक से कर नहीं पाता था। और मतलब अगर वो ड्रेको मीटर को यूज़ भी करता था ना, तो यार उसमें से बस एक गोला निकलता था बस ड्रेको मीटर का। अगर तुमने ड्रेको मीटर का अटैक नहीं देखा कैसे होता है, तो प्लीज़ जल्दी जाओ, वीडियो को पॉज करो, जल्दी जाओ, ड्रेको मीटर का अटैक कैसे होता है वो देख के आओ। तो जी हाँ, अब बात करते हैं गिबल के बारे में। गिबल ड्रेको मीटर सीख नहीं पाता था, पर ऐश ने उसको अच्छे से ट्रेनिंग दिया और मस्त से ट्रेनिंग दिया, और फिर वो ड्रेको मीटर सीख गया, और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस वगैरह बढ़ने लगी, बट वो इवॉल्व नहीं हुआ। यही उसका एक नेगेटिव पॉइंट मैं कह सकता हूँ, कि वो इवॉल्व नहीं होगा। अगर वो इवॉल्व हो जाता यार तो बहुत मज़ा आती, कम से कम वो फर्स्ट या फिर सेकेंड स्पॉट तो ले ही लेता इस लिस्ट में। तो इसलिए मैंने गिबल को इस लिस्ट के नंबर 5 के स्पॉट पर रखा है। अपने ओपिनियंस कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नंबर 4 दोस्तों, नंबर 4 की स्पॉट पे आता है नोइबैट। जी हाँ, अगर मैं खाऊँ नोइवर दोस्तों तो क्यों, क्योंकि नोइबैट इवॉल्व हो चुका है नोइवर में। अगर तुमने कैरलॉस सीजन की सीरीज नहीं देखी यार, तो प्लीज़ जाके देखो यार, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं समझने वाला। तो दोस्तों, अगर मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ तो ऐश को नोइबैट कैसे मिला था। तो दोस्तों, ऐश को कैरलॉस सीजन के किसी एपिसोड में उसको एक अंडा मिलता है जो कि नोइबैट का रहता है, और दोस्तों ऐश उस अंडे को मतलब देखता ही रहता है, तब भी वो हैच होने लग जाता है, और जैसे ही वो हैच होता है उसमें से नोइवर निकलता है, और नोइवर जो सबसे पहली चीज़ देखता है वो ऐश को देखता है, फिर नोइवर यहाँ वहाँ भटकना चालू कर देता है, फिर नोइवर खुद ही सोचता है कि या मैं ऐश के साथ जाऊँगा, तो वो ऐश के पोकेबॉल में आ जाता है। और हाँ, अगर नोइवर इवॉल्व कैसे होता है, तो यार नोइवर इवॉल्व होता है मोल्ट्रस के टाइम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और जैप्टोस के टाइम। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, यह है तुम्हारा आज का टास्क इस वीडियो का। जी हाँ, तो वो जब भी उसको चेस करने का रहता है तो यार वो चेस नहीं कर पाता, मतलब ऐश एकदम घनी तबाहीदार मुसीबत में रहता है, अगर जब ऐश मतलब जैप्टोस उसके ऊपर हमला कर रहा रहता है, तो फिर नोइवर जो है उसको बचा नहीं पाता, और नोइबैट क्योंकि वो इवॉल्व नहीं होता, उसके पास इतनी स्पीड नहीं होती, तो इसी वजह से नोइबैट नोइवर में इवॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड सारी चीज़ें पावर वगैरह बढ़ जाती है, और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है तब, और ऐश को तभी बचा लेता है। और अगर अब हम उसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो यार नोइवर एक बहुत ही अच्छा ड्रैगन टाइप पोकेमोन है ऐश का, और जी हाँ, नोइवर को बहुत सारे अलग अलग ड्रैगन टाइप्स मूव आते हैं, जैसे ड्रैगन क्लॉ, ड्रैगन ब्रेथ वगैरह 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 मूव्स उसको आते हैं, और वो सीख चुका है और अच्छे से। और जी हाँ, एक बैटल में ऐश का नोइवर और सामने वाले का सैलेमेंस, इन दोनों में टाई राउंड भी होता, तो इसलिए मैंने नोइवर को
नंबर 4 की स्पॉट पे रखा है, तो कमेंट में जरूर बताना इसके थॉट्स। नंबर 3, दोस्तों नंबर 3 के स्पॉट पे जो पोकेमॉन है वो ऐश ने भी रिसेंटली पकड़ा है, यानी रिसेंटली जो ड्रैगन टाइप पोकेमॉन पकड़ा है उसके बारे में बात करो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रैगनाइट के बारे में। जी हाँ, तो ड्रैगनाइट को इस नंबर 3 के स्पॉट पे रखना वेल डिजर्विंग था, क्योंकि यार वो एक फुल ई इवॉल्व पोकेमॉन है और वो एक कैंटो रीजन का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। और जी हाँ, मैं कह सकता हूँ ऐश का सेकेंड सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन भी कह सकते हैं हम इसे। जी हाँ, तो ड्रैगनाइट एक बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, बट अभी कम एपिसोड्स निकले तो रीजंस होंगे यार इसको थर्ड पोजीशन पर रखने के लिए। एक तो भाई इसका पावर वगैरह, और इसका ट्रू लव ऐश के साथ, जी हाँ बॉन्डिंग। अगर तुमने वो वाला एपिसोड नहीं देखा ना जिसमें ऐश ने ड्रैगनाइट को पकड़ा है, जी हाँ, तो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ था। तो ऐश एक आइलैंड पर पहुँच जाता है उसके दोस्त के साथ, नए दोस्त के साथ जो कि है गो। तो उसके साथ वो एक आइलैंड पे पहुंच जाता है जो कि ड्रैगनेयर ड्रैगनाइट और ड्रेटिनी का आइलैंड होता है, जहाँ पे ड्रेटिनी से ड्रैगनाइट का सफ़र शुरू होता है उसका, यानी ड्रेटिनी ड्रैगनेयर से ड्रैगनाइट में बढ़ती रहती है, और जब ड्रैगनाइट में बन जाती है तब वो वहाँ से निकल जाती है। सो यार वैसी एक वहाँ पे एक ड्रैगनेयर थी जो उड़ नहीं पाती थी, जी हाँ वो उड़ नहीं पाती थी, और फिर ऐश उसकी जो है मदद करता है। और जी हाँ, अगर तुम्हें पता नहीं होगा ड्रैगनेयर जो होते हैं वो बहुत स्लिपरी होते हैं, तो वैसी कोई सिचुएशन आई थी उस टाइम पे, और जो है ऐश हमारे मौत के मुंह में जा रहा था और ड्रैगनेयर उसको मदद करनी चाहती थी। यानी दिस इज ऑब्वियस काइंड ऑफ थिंग, अगर तुम पूरे पोकेमॉन जर्नी में देखो, ऐश ने जितने भी पोकेमॉन पकड़े पूरे पोकेमॉन जर्नी में देखो यही चीज़ होती है। तो वो जो है वो उसे बचाने जाती है, हालांकि उसको उड़ना आता है, फिर ऐश ने सिखा दिया था। तो ऐश जब गिर रहा रहता है तो उसके पास जाते हैं, पर ऐश उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि वो स्लिपरी होती है। जी यहाँ पर ऐश नीचे गिरता रहता है और फिर क्या, ड्रैगनेयर इवॉल्व होती है ड्रैगनाइट में और फिर उसको पकड़ के बचा लेती है। तो कमेंट्री के लिए एक लाइक तो बनता है। जी हाँ, तो ऐसे ही कुछ हुआ था ड्रैगनाइट के साथ। तो उसके बाद वो अपने ऐश के साथ चलने के लिए तैयार हो गया और एक पोकेमॉन में पकड़ लिया उसको। भाई इधर गेम्स खेल के अल्ट्रा बॉल में पकड़ना पड़ता है, अल्ट्रा ग्रेट बॉल में, और ये साला पोकेबॉल में पकड़ लेता सब कुछ यार। लेकिन भी वो एक पॉइंट साइड में रखते हैं, बट ड्रैगनेयर आई गेस ड्रैगनाइट जो है वो इस लिस्ट के नंबर 3 के स्पॉट पे डिजर्व करता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपने थॉट। तो नंबर 2, दोस्तों नंबर 2 के स्पॉट पे जो पोकेमॉन है वो एक्चुअली ओरिजिनेटेड है हमारे सन एंड मून यानी अलोलन रीजन से। तो यार मेरे को एक चीज़ इसकी पसंद नहीं अलोलन रीजन की, कि यहाँ के पोकेमॉन इतने अलग क्यों दिखते हैं, बट हम बात करते हैं नागालैंड की। तो यार, तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना अगर मैंने इसका नाम गलत प्रोनाउंस किया, तो यार प्लीज़ माफ़ करना यार, गरीबू यार, होता है कभी कभी इंसान के साथ ही होता है यार, गलती हो जाती है। सो नागालैंड एक ड्रैगन और पॉइजन टाइप पोकेमॉन है, और जो हाँ ये छोटे से पोकेमॉन से इवॉल्व हुआ वो पोकेमॉन है। और जैसे कि तुम्हें पता है ऐश को हर एक पोकेमॉन को रिलीज़ करने की बहुत ही ईगरता होती है, कि मैं कभी उस पोकेमॉन को पकड़ रहा हूँ और कभी उसको अच्छे कामों के लिए रिलीज़ कर दे रहा हूँ, तो इसलिए वो एक पोर्टल में उसे रिलीज़ कर देता है। पर क्या कहे, उस पोकेमॉन का नसीब इतना अच्छा होता है, जी हाँ क्या बताओ, उस पोकेमॉन का नसीब इतना अच्छा होता है कि वो पोकेमॉन खुद वापस आ जाता है इसके पास। जी हाँ, अगर तुमने सन एंड मून नहीं देखा तो जल्दी जाके देखो, मैंने भी पूरा नहीं देखा है, मैंने भी कुछ ही पार्ट्स देखे हैं सन एंड मून के। जी हाँ, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को सन एंड मून इतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी वालों ने ऐश की ऐसी की तैसी मचा दी थी। जी हाँ, मतलब कार्लोस से उठा के, मतलब एक अच्छे जगह से उठा के सीधा पटक दिया अलोला में, एक आइलैंड पे, एक क्या को यार उसके क्रिएटिविटी क्या किसने बनाया था ये ऐश में, कमेंट सेक्शन में बताओ। अलोला वाला उसके ग्राफिक्स इतने खराब थे ना यार, नागालैंड। तो यार ये एक बहुत ही अच्छा पावरफुल पोकेमॉन है, मैंने जैसे मैंने कहा सन एंड मून मैंने इतना नहीं देखा है, तो प्लीज़ माफ़ करना यार मेरे को। तुम कमेंट सेक्शन में बताओ नागालैंड इस लिस्ट में नंबर 2 का स्पॉट डिजर्व करता है नहीं। बट मैं एक चीज़ बता दूँ, जितना मेरे को पता है मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन है, यानी एक सुपर रेयर पोकेमॉन है जिसको ऐश ने पकड़ा था उसके बीस्ट बॉल में, यानी पहली बार ऐश ने कोई अलग बॉल में पोकेमॉन पकड़े, जी हाँ सफारी बॉल को छोड़ के, जिसमें उसने 30 टॉरस पकड़े थे। ठीक है, तो उस टॉपिक पर मत आओ यार, नागालैंड पे आओ।
तो मेरे को नहीं पता यार इसका नाम रखते टाइम क्या हो गया था पोकेमोन कंपनी को, बट पोकेमोन का तो बाप है यार, मतलब पावर ड्यूरेशन में पोकेमोन बहुत ही अच्छा है, और हाँ दिखने में भी थोड़ा बहुत अच्छा है, पर बाकी मेरे को तो लगता है स्टेरॉइड्स पे वीडल है वो, सॉरी वीडल, हाँ वीडल, वीडल वीडल नहीं वीडल, ओके। सो कमेंट में जरूर बताओ इसके बारे में। तो सो दोस्तों अब आते हैं, बारी आती है नंबर वन के स्पॉट पे। जी हाँ, नंबर वन के स्पॉट पे मैंने रखा है गूड्रा को। जी हाँ, अब गूड्रा को इसके स्पॉट पे क्यों रखा, क्योंकि यार आई गेस ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप है जो कि ऐश के पास अभी रिसेंटली है। जी हाँ, और दोस्तों गूड्रा जो है ऐश ने पकड़ा था गूमी के फॉर्म में, फिर गूमी से वो विकसित होके फिर उसके सेकेंड स्टेज में जाके फिर उसके थर्ड स्टेज पे जो कि गूड्रा पे आता है। और जी हाँ, गूड्रा जो है ऐश का सबसे पहला सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है, और जिस पोकेमोन ने कार्लोस रीजन के कार्लोस लीग में भी बहुत ही अच्छी तबाही मचा दी थी। और आई गेस गूड्रा और ऐश का बॉन्ड बहुत अच्छा है, अगर ऐश ने उसे रिलीज ना किया होता तो और अच्छा होता। सो ये मेरे थॉट्स है गूड्रा के बारे में, और गूड्रा के बारे में और मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि यार ये पोकेमोन ही इतना अच्छा है ना यार, मतलब इस पोकेमोन को बनाई इस ऐसी तरह ना यार, मतलब देख के तो मज़े आते हैं यार। उसकी फ़ाइट भी अगर मैं वापस भी फ़ाइट देखूँ ना यार, मेरे को बहुत मज़ा आता है। ऐश और गूड्रा का जो बीच का जो रिलेशन है वो भी मस्त है, बट ऐश ने उसे रिलीज नहीं करना चाहिए था बस, और कुछ नहीं। और गूड्रा को मैंने नंबर वन का स्पॉट इसीलिए दिया क्योंकि वो उसका फर्स्ट एवर सूडो लेजेंडरी पोकेमोन और फर्स्ट एवर ड्रैगन टाइप पोकेमोन, नहीं पावरफुल ड्रैगन टाइप पोकेमोन। कमेंट सेक्शन में को जरूर बताना अपने थॉट्स। सो पोकेफैंस, होप से तुम लोग आज का वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने पोके बडीज के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी अनोखे अनोखे वीडियोज लाने वाला हूँ ऐसी मेरे। सो और हाँ, कमेंट्री कैसे लेके आज के वीडियो में वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और जी हाँ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया यानी उस लाइक के बटन को दबाया नहीं है तो जल्दी जाके दबाओ, और उसके साथ कुछ भी करो यार, उस लाइक के बटन को और उस सब्सक्राइब के बटन के साथ कुछ भी करो, तोड़ो फोड़ो मोड़ो बॉम्ब डाल दो कुछ भी डाल दो, बस वो लाइक का बटन नीला होना चाहिए और सब्सक्राइब का बटन काला, और वो घंटा बजना चाहिए बस। और ऐसी अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे तो यार हम जल्दी 20 के फैम हो जाएंगे यार यूट्यूब पे, अभी फिलहाल 19 के हो गए यार। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन जिन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया, थैंक्स, थैंक यू गाइस सच्ची में यार। अभी नेक्स्ट गोल इज 20 के सबसे यार, लेट्स होप मेरे बर्थडे से पहले हो जाए यार, बस वही मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा यार। और जी हाँ, बर्थडे के दिन एक Q&A वीडियो भी करने वाला हूँ, तो बर्थडे के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।